बात
चलो शांत रहो, देखो तो थोड़ा इधर कहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखना है, ये से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से कि उधर से थोड़ी ना लिखेंगे हम, इधर से लिखे तो इधर से लिखेंगे ना, कौन तो ये वाला जो ये लिख लेंगे ना तो नोट करके नीचे में लिखना है, इसके बाद डायरेक्ट ऐसे करके लिखे तो दिख रहा है। आए चलो शांत रहो, देखो इधर थोड़ा, चलो देखो इधर, पिछले क्लास में सुनो, पिछले क्लास में मैंने देखो एक्चुअल में प्रोडक्ट रोड पे क्या बनता है, इस पे क्या डिपॉजिट होगा, इस पे क्या डिपॉजिट होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है हमारा, है ना। तो सब मैंने दो कंडीशन से क्वेश्चन करना है यहाँ पे, पहला था हमारा क्या, इलेक्ट्रोलाइट को हम पिघली अवस्था में डाल देंगे, तब पिघली अवस्था में डालेंगे तो क्या होगा, आए लड़ गया, पिघली अवस्था में डालेंगे तो क्या होगा, उसमें प्योर कैटायन होगा, प्योर एनायन होगा, मतलब एक ही का एनायन होगा, एक ही का क्या होगा वहाँ पे कैटायन, जैसे NaCl को डालेंगे तो Na+ और Cl- तो पता चल जाएगा इस पे सोडियम बनेगा किस पे क्लोरीन बनेगा, ठीक। लेकिन जब हम उसमें पानी डाल देते हैं तो कंडीशन दो आ जाता है हमारा, अब पानी जो डालेंगे, पानी ज्यादा डालेगी पानी कम डाले इस पर डिपेंड करता है, तो पानी अगर ज्यादा डाल देंगे तो उसको बोलते हैं पतला विलयन बोलते हैं, अगर पानी कम अमाउंट में है तो उसको क्या बोलते हैं, गाढ़ा विलयन बोलते हैं। जैसे शरबत हम लोग बनाते हैं तो पानी कम रहता, चीनी अगर ज्यादा रहता है उसमें तो कैसा विलयन हो जाता है, वो गाढ़ा हो जाता है, बस उसी तरीके से ही है। तो हमारा ये इसमें दो केस था हमारा एक्वस मीडियम वाला, पहला ए था हमारा क्या बताओ तो, इलेक्ट्रोलाइट को मैंने क्या किया, पानी में जो डाला है तो कैसा सोल्यूशन बनाया है, गाढ़ापन सोल्यूशन बनाया है। तो जब गाढ़ा सोल्यूशन बनता है, एग्जाम में दिया रहेगा, जब गाढ़ा सोल्यूशन बनता है तुम्हारा, गाढ़ा विलयन बनेगा, तो वहां पे तुमको ना दो ठो एनायन होगा, दो ठो केटायन होगा, उसमें वही डिपोजिट होने के लिए जाता है रॉड पे, जिसके पास पावर ज्यादा होगा, मतलब जो ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, वो कहीं ना हमारा मेटल एक्टिविटी सीरीज पर डिपेंड करता है, तो वो मैंने सीरीज लिखाया था। अगर एनायन टर्म था वहां पे तो एनायन में क्या चेक करते थे, नीचे से ऊपर जाने पर जो लास्ट में मिलता था वो एनायन पकड़ते थे वहां पे हम। केटायन के केस में कौन चेक करते थे, ऊपर से नीचे आने के केस में जो सबसे नीचे मिलता था वो यहाँ पकड़ते थे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बताओ तो, कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होगा, ऑक्सीकरण क्या अवकरण, अवकरण होता है, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो वहां पे मैंने वो बताया था कि अगर मेटल एक्टिविटी सीरीज अगर याद है तो वो वाला क्वेश्चन कर सकता है। अब हम सेकेंड केस के बारे में बात करेंगे, इसमें उसमें एक केस हो गया जो सांद्रता था, जो गाढ़ापन सोल्यूशन था हमारा। अब इलेक्ट्रोलाइट को जो पानी में डालेंगे तो कैसा विलयन बनाना है हमको, पतला विलयन बनाना है, कहने का मतलब ना इलेक्ट्रोलाइट हमारा जो होगा ना इस बार कम होगा, मतलब स्मॉल अमाउंट में NaCl होगा, पानी ज्यादा होगा, तो कैसा विलयन बनेगा हमारा, पतला विलयन बनेगा। तो अभी भी बताओ तो NaCl को मैंने पानी में डाला है, NaCl ज्यादा होगा कि कम होगा, सोच के बताओ तो, इस बार ज्यादा होगा कि कम होगा, पतला विलयन है तो क्या होगा, कम होगा हमारा, ठीक है। तो मैंने डाल दिया, बताओ पानी के अंदर अभी भी NaCl जो मैंने पानी में डाला है तो बताओ इसमें क्या होगा, एनोड पे कौन जाना चाहेगा, Cl- और OH- दो एनायन है,
सीएल माइनस, एक एक सॉल्ट से आया है, एक वाटर से आया है। इसमें भी क्या होगा, एक सॉल्ट का केटाइन है, एक वाटर का केटाइन है। लेकिन इस केस में तुम क्या करना, जब पतला विलयन दिया हुआ रहेगा तो बताओ इसमें ज्यादा क्या होगा, इस बार पानी ज्यादा होगा। तो इस बार टेंशन नहीं लेना है, इस बार हमको मेटल एक्टिविटी सीरीज याद नहीं रखना है। मेटल एक्टिविटी सीरीज केवल उसके लिए याद रखते जहां पे क्या था हमारा, गाढ़ा विलयन था। जब मेरे पास पतला विलयन हो तो इसमें क्या करेंगे, पानी ज्यादा होगा इस बार, तो पानी ज्यादा होगा तो पानी का ही आयन क्या करता है, डिपोजिट करने के लिए जाता है। इस बार लड़ता नहीं है दोनों आपस में, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें कौन सा आयन ज्यादा होगा, पानी ज्यादा होगा, NaCl बहुत कम होगा इस बार। ठीक है, तो कितना भी कुछ हो जाए लेकिन इस बार क्या जाता है यहाँ पे, वाटर का ही आयन क्या होता है, डिपोजिट होने के लिए जाता है। इसमें मेटल एक्टिविटी सीरीज को हम अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तब मैंने वही नोट करके इधर लिखा, सबसे लास्ट में इसको लिख लेना। अगर पतला इलेक्ट्रोलाइटिक कोई भी मेरे पास विलयन हो, एक्चुअल में ये क्वेश्चन सब ज्यादा नहीं आता, पिघली हुई अवस्था से क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड में, ये सब कंपटीशन में यहाँ से मिलेगा तुमको। पतला इलेक्ट्रोलाइटिक अगर विलयन होगा तो उसमें वाटर का ही क्या होता है, आवेश इलेक्ट्रोड पर जमता है। वाटर का ही क्या होगा, आवेश क्या होगा, इलेक्ट्रोड पर जमेगा, क्योंकि वाटर ज्यादा है लड़ने के लिए, क्या होगा वाटर का अमाउंट ज्यादा, ज्यादा तेजी से भागेगा वो इस बार। तो देखो तो यहाँ पे बताओ इस दोनों में कौन जाएगा इस बार, इलेक्ट्रोड पे, क्योंकि पतला विलयन है तो क्या जाएगा, OH माइनस। ठीक, कैथोड पे कौन जाएगा, सोडियम की हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन जाता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। हाँ, अगर OH माइनस जाता है तो दो चीज बनाता है, याद रखना है, यहाँ पे ऑक्सीजन बनाता है और वाटर बनाता है, ये बात याद रखना। अगर OH माइनस डिपोजिट होने के लिए जाता है तो क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है और वाटर बनता है। तो पतला विलयन के केस में बताओ हमेशा बनेगा नहीं, ये पतला विलयन केस में हमेशा ये बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि पानी को ही जाना है। तो याद रखना इसमें वो ऑक्सीजन बनता है और वाटर बनता है कहाँ पे, एनोड पे, दिमाग में डाल लेना, फिक्स कर लेना हमेशा और हमेशा, क्योंकि हमेशा पानी ही जाता है। तो पानी जाता है तो OH माइनस ही जाएगा, तो ऑक्सीजन और वाटर बनता है एनोड पे पतला विलयन के केस में, और कैथोड पे क्या जाता है हमारा, हमेशा कौन जाएगा, हाइड्रोजन गैस जाता है। ठीक है, तो ये तुम याद रख लेना यहाँ से, ऑब्जेक्टिव में बस दो याद रखने काम चल जाएगा। अब बताओ तो अगर MgCl2 डालेंगे और पतला विलयन बनाएंगे तो बताओ एनोड पे क्या बनेगा, यही बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा, यही बनेगा। अगर हम AlCl3 डाल दिए, पतला विलयन बनाया, तो बताओ इस पे क्या बनेगा, यही बनेगा, इस पर क्या बनेगा, वही बनेगा। मतलब कोई भी तुम क्या करो उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, हमको मैटर नहीं करता है, वाटर का आयन क्या होगा, वहां पे जाके डिपोजिट होगा। तो यही हमारा लास्ट केस था, अब इससे ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं आ सकता है। तीन टाइप का क्वेश्चन देखा, पिघली हुई अवस्था में कैटायन और एनायन मेटल का जाता था वहां पे। सेकेंड केस हमारा क्या था, जब हम कॉन्सेंट्रेटर रख देते थे, गाढ़ापन विलयन, गाढ़ापन विलयन रखते थे तो क्या करते थे वहां पे, हम माइग्रेशन करवाते थे, कौन जाता है, जिसके पास पावर ज्यादा होता है वो जाता है। अगर पतला विलयन हो तो हमेशा क्या जाएगा यहाँ पे, वाटर जाता है, ये याद रहे, तीन कंडीशन याद रखना, काम चल जाएगा तुमको। अब देखो तो आगे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सुनो, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फैराडे का विद्युत अपघटनी का नियम। यहाँ पे दो ठो नियम पढ़ना है हमको, ये फैराडे एक साइंटिस्ट ने दिया था, जिसको फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के नाम से जानते हैं। यहाँ पे दो ठो नियम पढ़ना है, वो दो ठो नियम क्या है, तो तुम यहाँ से लिखना स्टार्ट करो पहले, फिर हम समझाएंगे बाद में। ठीक है, उधर वाला मिटा दे रहे हैं, उधर वाला लिख लिया होगा सब, चलो नहीं लिखा जल्दी लिखो, ये हमारा इंपोर्टेंट यहाँ से होगा। अब टॉपिक स्टार्ट किया मैंने, ये पहला नियम दूसरा नियम लिखाए हैं, जल्दी लिखो फिर समझाते हैं इसको।
मिनट देख लो, हम लोग आप बात कर रहे क्या, जो हमारे पास विद्युत अपघटनशील था ना, उसमें ना एक साइंटिस्ट आया था, कुछ नियम को बोला था, क्या नियम था उसको था समझते, देखो तो क्या क्या नियम था, देखो सिंपल सिंपल सा नियम है, दो तीन नियम है, एग्जाम में बड़ा फेमस है, पूछता है कि फैराडे का फर्स्ट नियम क्या होता है, दो नंबर पूछ देता है, सेकेंड नंबर ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, पहला नियम से ज्यादा है न्यूमेरिकल भी बनता है, और बिहार बोर्ड में ना हर एक साल लगभग एक ऑब्जेक्टिव यहाँ, ठीक है, न्यूमेरिकल से एक ऑब्जेक्टिव आता है, या अब फर्स्ट नियम से दो नंबर डाल रहे हैं, यानी तीन नंबर तो कन्फर्म है लगभग इस चैप्टर से, यहाँ समझते हैं क्या, सुनो तो, पहला पढ़ने जा रहे, दो तो नियम दिया था फैराडे एक साइंटिस्ट है, क्या नियम था समझते हैं, पहला कहता है फैराडे का विद्युत अपघटनी का प्रथम नियम, मतलब विद्युत अपघटनी सेल से रिलेटेड पहला नियम क्या था समझते, देखो तो क्या बोला था उन्होंने, एक बात तुम ये बताओ तो, ये मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, बैटरी लगाया है, क्या लगाया है, बैटरी, अब बैटरी से क्या करते हैं, इसमें सब क्या करते हैं, निगेटिव चार्ज, मतलब कहीं ना कहीं चार्ज को हम पास करवाते हैं, तब क्या मिलता है, इस कंटेनर में जो मेरे पास इलेक्ट्रोलाइटिक विलयन था उसको क्या मिलता है, करंट मिलता है, अब जैसे ही करंट मिलेगा तो कैटायन जाता है कैथोड पे और एनायन किधर घटता है, एनोड पे, इस तरीके से कुछ होता है, वो डिपेंड करता है जो कितना सारा करंट पास कर रहा है, सुनो एक बात बताओ तो, इधर से अगर करंट पास हुआ तो ये निगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पे क्या जमा हुआ बताओ तो, रोड पे निगेटिव चार्ज, क्या जमा हुआ इधर, निगेटिव चार्ज, इस रॉड पे क्या हमारा है, पॉजिटिव चार्ज, कहने का मतलब इस बैटरी में से क्या निकल रहा है, यहाँ से निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, बैटरी लगाया है तो बताओ ये निगेटिव टर्मिनल, तो बताओ इधर से क्या निकलेगा, निगेटिव चार्ज निकलेगा, इधर से क्या निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, ठीक है, अगली बात तुम बताओ तो, ये जो केटायन यहाँ पे जो है, ये जो केटायन जो डिपोजिट होने के लिए जाता है, जो जमने के लिए जाता है रॉड पे, केटायन किधर जाएगा बताओ तो, इधर निगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा, एक बार तुम बताओ तो, अगर रॉड पे देखो तो कितना निगेटिव चार्ज है, एक दो तीन चार पांच छह सात, अगर सात इलेक्ट्रॉन बैटरी अगर दे रहा है तो बताओ कितना केटायन डिपोजिट होगा, इसमें सात तो केटायन जाएगा, क्योंकि वहां पे जाकर डिस्चार्ज होता है, केटायन जाएगा और इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, जम जाएगा वहां पे, तो एक बात तुम बताओ तो, जितना ज्यादा आवेश को पास करवाएंगे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को हम बैटरी से देंगे इस रॉड को, उतना ज्यादा क्या होगा, इस पे केटायन जाकर डिपॉजिट होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इधर होगा उतना ज्यादा क्या डिपॉजिट होगा, यहाँ पे एनायन डिपॉजिट होगा, तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो मास जाके डिपॉजिट होता है रॉड पे, ये जो मास जो जाके केटायन का और एनायन का मास जो डिपॉजिट होता है रॉड पे जाके, वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आवेश का, जितना ज्यादा आवेश पहुंचाएंगे रॉड पे उतना ज्यादा जमेगा, ये ऐसे बोल सकते हैं, अगर मैंने बोला कि 10 इलेक्ट्रॉन बैटरी में से बाहर निकला तो बताओ कितना के टाइम जाएगा, 10 जाएगा, और किसी के पास ज्यादा पावर वाला बैटरी है तो वो 20 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा तो कितना जाएगा, 20 डिपॉजिट होने के लिए, किसी के पास और तगड़ा बैटरी है तो मान लो 30 इलेक्ट्रॉन भेजा तो कितना डिपॉजिट होगा, 30 के टाइम, यानी ओवरऑल डिपेंड किस पे कर रहा है, कितना ज्यादा चार्ज हम बैटरी से सप्लाई कर रहे हैं रॉड को, उस पर डिपेंड करता है कि कितना सारा मास जाके डिपॉजिट होगा रॉड पे, है ना, ऐसे बोल सकते हैं, तो बस वही था हमारा फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या बोला देखो यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन पर जमे उत्पाद, मतलब इलेक्ट्रॉन पर जो प्रोडक्ट जाके जमता है, ठीक है, उस अपघटनी सेल में, मतलब ये मेरे पास अपघटनी सेल है, इलेक्ट्रॉन पर जो पदार्थ जो जाके जमता है वो क्या होता है, आवेश पास कराने का सीधा समानुपाती होता है, कहने का मतलब ये जितना ज्यादा आवेश, आवेश को हम क्यू से डिनोट करें, तुम लोग पढ़ा फिजिक्स में, क्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, आवेश बोलते हैं, आवेश मतलब चार्ज, कितना सारा इलेक्ट्रॉन पास करवाया मैंने, कितना सारा चार्ज पास करवाया, तो जितना ज्यादा चार्ज पास करवाएंगे ना आवेश, उतना ज्यादा क्या होगा, मास होता है डिपोजिट रॉड पे, तो यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, मास द्रव्यमान इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आवेश पासिंग इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इस सेल में जितना ज्यादा चार्ज पास करवाएंगे उतना ज्यादा मास डिपॉजिट होगा, एक बार और पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन पे जमे जो प्रोडक्ट होगा हमारा वो उस अपघटनी सेल में आवेश पास कराने का सीधा समानुपाती होता है, जितना ज्यादा तुम आवेश देगा उतना ज्यादा मास डिपॉजिट होगा जाके, क्लियर है बात, ठीक, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, अब बताओ तो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं, समानुपाती नियतांक को जब हटाते हैं तो एक मेरे पास कांस्टेंट आता है, क्या बोला मैंने यहाँ पे, जेड के बराबर है, एम बराबर जेड इंटू क्यू, सही है, अब बताओ तो क्या हम आवेश को ऐसे लिख सकते हैं, करंट गुना टाइम, आई को मतलब क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, आई इंटू टी, क्यू की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, करंट गुना
टाइम, तो एम बराबर जेड इंटू आई इंटू टी। तो मेरे पास तीन इक्वेशन आ गया, पहला ये एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू, फैराडे का पहला लॉ इलेक्ट्रोलिसिस आया है, इस कांस्टेंट को हटाया, नियतांक को हटाया, जेड आया तो एम बराबर जेड इंटू क्यू। ठीक, अब हमने क्यू को हटा दिया, क्यू की जगह पे क्या लगा दिया, मेरे करेंट गुना टाइम। तो मेरे पास अगर चार्ज दिया रहेगा तो ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे, अगर करंट दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा तो ये हम इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। अभी दो इक्वेशन मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे एम क्या बताओ, तो कितना सारा द्रव्यमान जाके जम रहा है रोड पे, वो एम, ये हमारा द्रव्यमान जो है इलेक्ट्रोड पे जाके जमा हुआ जो पदार्थ है हमारा, वो एम है हमारा। देखो दोनों ने पूछेगा, या तो तुमको केटायन पूछ लेगा या तो तुमको एनायन पूछ लेगा। ठीक है, या तो केटायन पूछेगा तो एनायन पूछेगा, ये वही उसी का किसी खास का क्या होगा द्रव्यमान, या तो केटायन का होगा या तो एनायन का, जनरली केटायन का ही रहता है। ठीक है, एनायन का ही रहता है। यहाँ पे क्यू क्या बताओ, तो कितना सारा आवेश मैंने बैटरी से सप्लाई किया रॉड को, वो क्यू है हमारा आवेश, मतलब कितना सारा चार्ज, कितना सारा इलेक्ट्रॉन मैंने दिया। यहाँ पे क्या है, विद्युत धारा, करंट, करंट जितना ज्यादा चार्ज पास करेगा टी टाइम में, उसी क्या बोलते हैं, चार्ज नहीं बोलते हैं, कितना सारा करंट पास करा टी टाइम में, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, चार्ज बोलते हैं। यहाँ पे आई क्या है, विद्युत धारा है, और टी यहाँ पे क्या है, समय है। जेड को क्या बोलते हैं, तो जेड मेरे पास एक नियतांक है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रो रसायनी नियतांक के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रो रासायनिक नियतांक, ये तुमको दिया हुआ रहेगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे वो निकालना भी सिखाते हैं। तो इधर सब लिख लिया है, किसी को दिक्कत नहीं है, बोलो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, जितना ज्यादा चार्ज सप्लाई करेंगे बैटरी से हम रॉड को, उतना ज्यादा क्या होगा, मास जाके डिपोजिट होता है, यानी एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यू, एम बराबर जेड इंटू क्यू, एम बराबर जेड इंटू क्यू, क्यू के जगह मैंने क्या किया आई इंटू टी, बाकी सबका वैल्यू मैंने लिख दिया। अब चलो, तो हम जेड का वैल्यू अगर दिया रहेगा तो ठीक है, अगर नहीं दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे वो निकालना हम सीख रहे हैं। ये मिला दे इधर वाला, देखो तो ये नहीं लिखा है, चलो ऊपर वाला बिठा दिया तो लिख लिया होगा। चलो जेड निकालना सीखते हैं, दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो निकालना पड़ेगा हमको।
आज लगता हूँ। सेम, चलो एक बार पढ़ते क्या है इसमें, क्या बोलेगा तुमको, कितना चार्ज पास करवा रहे हैं तो कितना सारा क्या होगा, कैटायन या एनायन जाके डिपॉजिट होगा। जनरली ना तुमको मेटल डिपॉजिट होने के लिए पूछता है, आए एनायन के बारे में ज्यादा नहीं पूछेगा तुमको, ना कैटायन के बारे में ज्यादा पूछता। जितना सारा मैंने ऑब्जेक्टिव देखा है ना बोर्ड में पूछा हुआ है, सब मेटल के बारे में बात करता है। तो सुनो क्या पूछा हुआ था, देखो तो क्वेश्चन में क्या है, मेरे पास एक कंटेनर दिया रहेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दिया रहेगा, विद्युत अपघटनी सेल दिया रहेगा, इसमें कोई क्या रहेगा, इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ रहेगा। तो तीन अवस्था में हो सकता है, पिघली हुई अवस्था में या पानी में डाल कर रखा हुआ रहेगा, ठीक। तो इसमें बोला क्या, कॉपर सल्फेट पिघली हुई अवस्था में, नहीं कुछ दिया रहेगा तो हमेशा क्या मानना, पिघली हुई अवस्था में। सीधे बोला कॉपर सल्फेट का विलयन है तो क्या मान लेना, पिघली हुई अवस्था में रखा हुआ, मतलब एक केटायन होगा, एक तो क्या होगा इसमें, एनायन होगा। अब एक बताओ तो केटायन कहाँ जाता है, कैथोड पे, एनायन कहाँ जाता है, एनोड पे, इसको बोलते हैं कैथोड, इसको क्या बोलते हैं, एनोड। बताओ तो केटायन जाता है तो वहां पे जाकर क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, ठीक। अब यहाँ पर तुम देखो तो हमको क्या निकालना है कि अगर हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट जो पिघली अवस्था में रखा हुआ है उसमें हम कितना फैराडे का आवेश पास करवाते हैं, 2 फैराडे का। मतलब यहां से जब बैटरी को मैंने खोला तो यहां से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट किया, कितना फैराडे का चार्ज मैंने पास करवाया, 2 फैराडे का चार्ज पास करवाया। बताओ अगर 2 फैराडे को हम अगर कूलम में लिखना चाहेंगे तो 1 फैराडे बराबर कितना होता है, 96,500 कूलम, क्योंकि बताओ तो अगर हम बोले चार्ज का यूनिट क्या होता है, आवेश, आवेश का इकाई क्या होता है, कूलम में लिखते हैं ना हम लोग, कूलम में। तो बताओ 2 फैराडे का मतलब कितना बोल सकते हैं, 2 × 96,500 कूलम, ठीक है। मतलब इतना सारा क्या, इतना सारा कूलम का चार्ज पास हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन हमको वो पता नहीं है, 2 × 96,500 कूलम का चार्ज इसमें क्या हो रहा, जा रहा अंदर में, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन भी इतना होता था हमको उतना पता नहीं है। सीधे बोला कि 2 फैराडे का चार्ज है, मैंने गया तो 2 × 96,500 कूलम जा रहा है इसमें। अब अगर इतना 2 फैराडे का चार्ज आवेश पास करवाते हैं तो कॉपर क्या होता है, कितना कॉपर का कितना द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन पे जमेगा। जनरली तुमको मेटल के बारे में पूछेगा, नॉन मेटल के बारे में नहीं पूछता, ठीक है। कॉपर कितना जाके डिपोजिट होगा, जमेगा उस रॉड पे जाके, और कौन से इलेक्ट्रोड पे जमेगा, 2 क्वेश्चन पूछा, कितना जमेगा कॉपर का उस पे और कौन से इलेक्ट्रोड पे जमेगा। तो पहली बात बताओ कॉपर पे कौन सा आवेश है, धनावेश है, बताओ धनावेश कहाँ जाता है, कैथोड पे, ये कैटायन किधर जाएगा, कैथोड पे। तो बताओ कॉपर 2+ कहाँ पे जाकर जमेगा, कैथोड पे। तो एक तो आंसर तो ये हो गया, कॉपर 2+ कहाँ जाकर जमेगा, कैथोड के ऊपर जमेगा। कितना जमेगा वो निकालना है, तो बताओ कितना जमने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, फैराडे का फर्स्ट लॉ का इक्वेशन क्या था बताओ, तो एम बराबर ये वाला लिखना है, मोलर द्रव्यमान, कॉपर का मोलर द्रव्यमान नहीं दिया तो कहीं पर लिख लेना नोट करके, यहाँ पे कॉपर का होता है 63.5 ग्राम पर मोल, कॉपर का मोलर मास कितना होता है, 63.5 ग्राम पर मोल, ये दिया हुआ रहेगा, याद करने की जरूरत नहीं है, हमने छूट गया था यहाँ पे, दिया हुआ रहेगा। ऊपर में क्या रखते हैं, मोलर द्रव्यमान, नीचे में कितना रखते हैं, एक्स इंटू कितना रखते हैं, 1/f इंटू क्या रखते हैं यहाँ पे, क्यू आवेश, ठीक है। बताओ मोलर द्रव्यमान कितना है, 63.5 कॉपर का, क्योंकि कॉपर जमने के लिए बोल रहा है तो 63.5 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। बताओ एक्स क्या है, कॉपर पे कितना आवेश है, कॉपर पे कितना है, चेक करो तो कॉपर 2+ टूटता है, अगर NaCl रहता तो Na+1 होता, इस तरीके से तुमको ब्रेक करना आना चाहिए, कॉपर 2+ RSO4 2-, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 के बराबर इंटू 1/फैराडे कॉन्स्टेंट। बताओ 96,500 रख ले, कुलम में रख लेते हैं, 96,500 कुलम रख लेते हैं, क्योंकि कुलम, ये कुलम में है तो ये भी चार्ज को किस में रखेंगे, कुलम में, इसको कहाँ पे, ये फैराडे पहले से रखना पड़ता है, वो एफ है हमारा, अरे ये तो पहले से ही फिक्स है ना एफ। अब क्यू के जगह पे हम रखेंगे वैल्यू, जो चार्ज हमको पास करवाया वो हम कहाँ रखेंगे, क्यू के जगह पे आवेश, कितना आवेश पास करवाया मैंने बताओ तो, 2 × 96,500, बताओ 2 × 96,500 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बताओ 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बताओ कितना सारा मास डिपोजिट करेगा, 63.5 ग्राम, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, एम बराबर 63.5 ग्राम। चलो लिख लो इसको, अगले क्लास में आगे और क्वेश्चन करेंगे, नोट कर लो इसको।
पड़ेगा।